मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर यूपी की। खबर जो है वो अमिताभ ठाकुर से जुड़ी हुई है। अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। अमिताभ ठाकुर सरकार से जुड़े लोगों को हमेशा अखरते रहे हैं, उनकी आंखों में हमेशा गड़ते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर उत्तर प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक अमिताभ ठाकुर चुभ रहे हैं। वजह है उनके तीखे सवाल, वजह है वो सवाल जो वो व्यवस्था पर उठाते हैं, राजनीति पर उठाते हैं, कानून को लेकर उठाते हैं और जो अलग अलग मामले सामने आते हैं उनको लेकर उठाते हैं। अब अमिताभ ठाकुर ने एक बड़ा ऐलान किया है। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में योगी आदित्यनाथ जिस सीट से भी चुनाव लड़ रहे होंगे वहां से अमिताभ ठाकुर भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस ऐलान के साथ ही कई राजनीतिक दल अमिताभ ठाकुर के पास पहुंचने लगे हैं। पीस पार्टी पहुंची तो पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि अगर अमिताभ ठाकुर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो पीस पार्टी उनका पूरा सहयोग करेगी, उनका पूरा समर्थन करेगी। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि हमारे प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर के पास पहुंचे। नूतन ठाकुर अमिताभ ठाकुर की पत्नी है और वो भी बहुत सक्रिय है। उन्होंने कहा कि कुंवर अजय सिंह दंपति के पास यानी अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर के पास पहुंचे, उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा है। हालांकि अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह एक बड़ा मामला सामने आया है, बड़ी खबर सामने आई है कि एक पूर्व आईपीएस अब योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने जा रहा है, पूरी तैयारी कर चुका है। और अमिताभ ठाकुर ने क्या कहा है आइए ये भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्प्रेरणात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई, इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा।